तो अब लग रहा है कि मुझे बता देना चाहिए, है ना? और कितना महीना चल रहा? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हो चुकी है मेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग तो बहुत पहले ही हो गई थी क्योंकि स्माइली को अब स्कूल जाना रहता है तो जल्दी उठना पड़ता है, तो उसको मैंने स्कूल भेज लिया। इतनी जल्दी 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 हो जाता है ना कि सोचती हूँ कभी कभी कि मतलब बिल्कुल उठ के ही ब्लॉग स्टार्ट करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ कैसे कैसे स्माइली को भेजती हूँ। लेकिन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी रहता है और सर्दी में उठने का किसी का भी मन नहीं करता होगा, मुझे पता है, लेकिन उठना पड़ता है तो बस कम टाइम रहता है, भाग भाग के करते रहो। और आज तो ऐसा हुआ ना, इतना आंधी तूफान, मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, तो मुझे लगा कि आज तो स्कूल बंद हो जाएगा। इतनी ठंडी में, इतनी बारिश में कैसे जाएंगे बच्चे, गाड़ी नहीं आएगी। लेकिन लास्ट टाइम पे बारिश बंद हो गई और ऐसी नींद लगी ना, मतलब मुझे 1 घंटे में सब कुछ फटाफट तैयार करना था उसको, और टिफ़न वगैरह सब बनाना था। और इतनी आंधी आई कि घर की इतनी बुरी हालत हो गई है, इतनी बुरी हालत कि पूछो ही मत। अब फिर मैंने उसको जैसे तैसे स्कूल भेज दिया। और ये भी नहीं रहते, फौजी साहब भी नहीं रहते हैं, तो मुझे सब कुछ अकेले ही करना रहता है। वो बस सुबह सुबह आए, मतलब सुबह सुबह जब थे तो चाय वाय बना के चाय दे दिया था मुझे ताकि मैं जग जाऊं। लेकिन वही हो जाता है ना, मुझे आलस आलस जैसा लग रहा था क्योंकि जब वो आए थे तो बारिश हो रहा था, तो मुझे लगा कि बारिश हो रही है तो स्कूल तो आज बंद ही हो जाएगा, पक्का मैसेज आ जाएगा कि आज स्कूल बंद है। लेकिन नहीं हुआ स्कूल बंद, तो फाइनली मुझे उसको भाग भाग के तैयार करना पड़ा और स्कूल स्कूल मैंने भेजा। तो वो चली गई है, अभी मैं बच गई हूँ घर में। तो चलिए अभी क्या क्या करती हूँ मैं, आप लोगों को दिखाती हूँ, आगे की अपडेट देती हूँ मैं, ठीक है? हे गाइस, तो अभी नाश्ता वास्ता हो गया, अब बारी है सफाई करने की। और आज मुझे सफाई में इतना ज़्यादा करना है, इतना ज़्यादा करना है कि क्या ही बोलूँ मैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि सुबह सुबह आंधी तूफान बारिश आ रहा था, उस चक्कर में तो घर की ऐसी हालत हो गई है ना, पूरा घर पानी पानी हो गया है। मतलब ऐसे यहाँ पे आंधी वांधी आता है ना कि पूरे रूम में हाल बेहाल हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ छोटा सा डेमो। इधर बाहर के बालकनी का तो मैंने साफ कर लिया जो सीढ़ी की तरफ है, और अभी छत जा रही हूँ करने। छत जो मैंने डेकोरेट किया था वो, उसकी हालत इतनी बुरी हो गई है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। पूरा गिर के, मतलब जो भी फ्लावर वगैरह लगाए थे सब बेकार हो गया है, सब बेकार हो गया है। तो दिखाती हूँ, और मुझे लग रहा है कि 1-2 घंटे तो लग जाएंगे वो सारे सफाई करने में अच्छे से। और भगवान करे धूप हो जाए, वैसे लग रहा है हल्का हल्का धूप हो रहा है, धूप होगा तो सूखेगा जो भी घास वगैरह है, फ्लावर वगैरह है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि क्या हालत हो रखी है। ये देख सकते हैं आप, फ्लावर कहीं और गया हुआ है। ओह माय गॉड, मेरे ये बर्ड का क्या हालत हो गया। ये सब फ्लावर, मेरे छत की हालत ऐसी हो गई है, बालकनी भी इतना, ये पूरा गीला हो के मैंने इसको भी इधर डाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं क्योंकि टाइम कम है, 1-2 घंटे तो इसमें लगेंगे ही, फिर तब तक स्माइली आ जाएगी तो उसके लिए खाना वाना बनाना। तो पहले मैं ये कर लूँ, उसके बाद नहाऊंगी। ओ बाहर का ना जो सीढ़ी होता है उधर का भी मैंने किया, उधर भी ऐसे पत्ते और बहुत गंदा हो गया था। तो आज तो पूरा ही, मतलब उसकी बारिश की वजह से पूरा ही घर गंदा हो जाता है क्योंकि बाहर से अंदर धूल वगैरह आ ही जाते हैं, और प्लस जूते वगैरह में किचकिच होके, मतलब क्या ही बोलूँ, घर की ऐसी हालत है ना, मुझे लग रहा है कि जैसे पूरे घर की धुलाई करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे कोशिश करती हूँ करने की। चलिए आप लोगों को कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, ठीक है? हे गाइस, तो फाइनली मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ। आज इतना काम किया, इतना सफाई किया कि मन पूरा भिनभिना गया था मेरा, तो मैंने बहुत अच्छे से नहाया। तो जब बहुत अच्छे से नहाती हूँ ना, मतलब थोड़ा टाइम लगा के, ऐसे तो इतनी ठंडी होती है तो जाओ और फटाफट पानी गिरा के हम आ जाते हैं बाहर, लेकिन जब बहुत अच्छे से नहाती हूँ तो थोड़ा अच्छे से तैयार होने का मन करता है ना। मतलब बाल वाल अभी खुले ही रखे हैं, मैंने बांधे ही नहीं है। और आ चुकी हूँ मैं किचन में दोपहर के खाने के लिए। तो
खाने में क्या बनाओ, इतना मुश्किल होता है, मतलब मेरे और स्माइली के लिए, फौजी साहब आते नहीं है खाने के लिए, तो दो लोगों के लिए यार बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने सुबह ही बिंज की सब्जी बनाई थी स्माइली को टिफ़न देने के लिए, पूरी और भुजिया दिया था, भुजिया नहीं मतलब सब्जी टाइप ही बनाती हूँ बिंज का, थोड़ा मसाला वसाला छिड़क के, तो वो सब्जी बनाई थी मैंने, भी नाश्ता कर लिया था पूरी और सब्जी, अभी उसी में का सब्जी बचा हुआ है, तो चावल दाल और सब्जी और पापड़ तल लूँगी मैं, तो हो जाएगा। स्माइली पापड़ नहीं खाती है, तो ये सब्जी देख सकते हैं, और इधर मैंने बैठा दिया है चावल, तो चावल दाल सब्जी पापड़ खा लेंगे हम लोग, इससे ज़्यादा खुद के लिए नहीं कर सकती मैं, क्योंकि इतना भी बनाना ना, मतलब दाल भी इतनी सूप बनाना पड़ता है, चावल भी इतनी सूप बनाना पड़ता है यार, कितना मुश्किल है मतलब अकेले के लिए खाना बनाना, बाप रे, पकता भी नहीं है अच्छे से, चावल तो बिल्कुल टाइट ही रह जाता, अगर ज़्यादा पानी डालती हूँ तो पानी पानी हो जाता है, कम पानी डालती हूँ तो टाइट ही रह जाता है, क्या बोलूँ मैं। तो फाइनली हम लोग बस अब सिटी लेने ही वाला है, बन जाता है तो खा के उसके बाद देती हूँ मैं आप लोगों को आगे की अपडेट। ही गाइस, तो अभी फाइनली आ चुकी हूँ मैं अपने रूम में, बेड पे आराम से बैठ के मैंने सोचा कि आप लोगों से बातें किया जाए, और आज मैंने थोड़ा सा ये लटके झटके निकाल लिए हैं, कितने दिनों के बाद ऐसे अपना हेयर स्टाइल किया है मैंने, तो मुझे ना ऐसे कर्ली टाइप बाल बहुत अच्छा लगता है, शुरू से ही मैं करती हूँ, शादी से पहले से ही ऐसे बाल मैं करती थी, ऐसे मोड़ मोड़ के और ऐसे कर्ली कर्ली, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत दिनों से नहीं किया था, तो आज मैंने नहा वहा के थोड़ा सा तैयार वार होके, मतलब तैयार क्या, बस ये बाल ही किया है और काजल वाजल लगा लिया है मैंने, हल्का लिपस्टिक। तो मेरे को आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करना है, क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मतलब क्या जवाब दूँ आप लोगों को। मेरे ना हर वीडियो में, जब भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, जब भी मतलब ब्लॉग डालती हूँ, तो उसमें ये एक दो कमेंट ज़रूर रहते हैं कि दीदी क्या आप प्रेग्नेंट हो, पता चल रहा है, आपके पेट से पता चल रहा है, तो अब लग रहा है कि मुझे बता देना चाहिए, है ना। हाँ, मैं ना प्रेग्नेंट हूँ, और कितना महीना चल रहा, अभी ना पांचवा महीना चल रहा मेरा, क्योंकि काफ़ी दिन से आप लोग गेस, मतलब मुझे लगता है ना कि गेस आप लोग पहले महीने से ही करना स्टार्ट कर दिए, मुझे लग रहा है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से ही आप लोग बोले जा रहे हैं कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो, 6 महीने तो हो गए, 5वां महीना लगा हुआ है, तो फाइनली आप लोग बहुत खुश हो जाओ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यार हद है यार, यही सुनना चाहते हो ना आप लोग, मतलब क्या बोलूँ आप लोगों को, अगर मैं प्रेग्नेंट होऊंगी ना, मतलब कितनी बड़ी गुड न्यूज है ये छुपाने की चीज़ तो है नहीं ना, तो अगर मैं ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हैं। हाँ, मानती हूँ कि 2-3 महीने तक लगभग सभी लोग छुपा के रखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ से, मतलब सेफ्टी पर्पज़ से, कि सब कुछ जब ठीक ठाक हो जाता है तो हम किसी के सामने शेयर करते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि मैं हमेशा ही आप लोगों से छुपाऊंगी। मैं क्या बोलूँ, मतलब ये कमेंट पढ़ के मुझे हंसी भी आता है और कभी कभी तो गुस्सा भी आता है कि यार ये तो मतलब 6-7 महीने से सब ऐसे कमेंट कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो मेरा तो पेट इतना निकल गया रहता, लेकिन अभी तक तो नहीं है ना, जैसे आई थी मैं वैसी ही हूँ अभी, कहाँ मैं कहीं से भी मोटी नहीं हुई हूँ, एक बीच तो मैं इतनी पतली हो गई थी, अभी थोड़ी सी ठीक हो गई हूँ मैं, तो आप लोग ऐसे कमेंट मत करो, मुझे शर्म भी आता है, मुझे हंसी भी आता है कि क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ आप लोगों को, कैसे समझाऊँ मैं, मतलब यूट्यूब पे ही नहीं, इंस्टा पे भी हर पोस्ट में मेरी यही, दीदी आप प्रेग्नेंट हो, यार मैं एक एक को कैसे रिप्लाई दूँ, अगर रिप्लाई दूंगी नहीं तो कोई विश्वास नहीं करेगा, उनको लगेगा कि नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि एक ब्लॉग बनाना चाहिए और आप लोगों को गुड न्यूज़ सुना देना चाहिए कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल प्रेग्नेंट हूँ भाई, अब बस होने ही वाला है मेरा बेबी, और मैं भी बड़ा सा पार्टी करूँगी, आप सब लोगों को इन्विटेशन दूंगी, आ जाओ भाई। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं सच बोलूँ तो अभी हम नहीं सोच रहे, प्लान नहीं कर रहा, क्योंकि ना क्या है कि यहाँ पे जहाँ मैं हूँ ना, मैं अभी बिल्कुल अकेले रहती हूँ, आप लोगों को पता ही है कि फौजी साहब को उतना टाइम नहीं मिल पाता है, और इस स्टेज में, मतलब इस पीरियड में ना, जब कोई भी औरत
मतलब प्रेग्नेंट हो, तो उसको सबसे ज़्यादा मतलब किसी की ज़रूरत तो होती है, सबसे ज़्यादा हस्बैंड की ज़रूरत होती है, फैमिली की ज़रूरत होती है। मैं इतनी दूर हूँ, क्वार्टर में हूँ इस टाइम में, अब तो मैं मतलब गांव जाके भी नहीं रह सकती क्योंकि स्माइली अब पढ़ने वाली हो गई है। तो पहले था कि आराम से जाओ, जब मर्जी गांव चले जाओ, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता है ना, तो मैं गांव पे भी जाके नहीं रह सकती। और अकेले सब कुछ मैनेज करना मुझे नहीं लगता है कि मतलब सही रहेगा। और मैं तो मतलब बिल्कुल भी यहाँ के लिए तो सोच भी नहीं रही हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ ऐसा कुछ सोचूंगी, बेबी प्लान बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग समझो इस बात को कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जिसको नहीं भी पता होता है वो भी सोच लेता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब मुझे लगता है कि आप लोगों के कमेंट सुन सुन के, पढ़ पढ़ के ना, आस पास मेरे गाँव टोले मोहल्ले सब यही सोचते होंगे कि हाँ अब कुछ नहीं हो जाएगा, अब कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार। लेकिन सच में मुझे खुशी है कि आप लोग चाहते हो। बहुत सारे लोगों के कमेंट अच्छे वे में भी आते हैं कि दीदी आप प्लान करो, आप कब ला रहे हो बेबी। तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हो, मुझे इतना प्यार करते हो कि नहीं आपको एक, आपको भी एक कर लेना चाहिए। तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का। लेकिन अभी फाइनली मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने दिमाग से बिल्कुल आप लोग निकाल दो। अगर थोड़ी मोटी भी हो रही हूँ, पेट भी थोड़ा सा अगर निकल रहा है ना, तो वो पेट निकल रहा है, प्रेगनेंसी की वजह से नहीं निकल रहा है। तो फाइनली आप लोग मान जाओ, ठीक है। तो अभी ना बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया, अभी चलते हैं। शाम हो गई है, क्या शाम को खाना बनाना है वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ आपको। ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, जो भी होगा आप लोगों को आगे की अपडेट देती रहूँगी, ठीक है। हे गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में, रात हो चुकी है, इधर देखिए अंधेरा हो गया है बिल्कुल भी। और अभी रात के खाने की तैयारी, मतलब हम औरतों का यही है ना, सुबह उठो खाना बनाओ, खाना नहीं मतलब जो भी नाश्ता वगैरह बनाना रहता है किचन में, मतलब सुबह उठ के किचन में आओ, बच्चों को भेजो स्कूल, फिर दोपहर हुआ दोपहर का खाना बनाओ खाओ, फिर शाम हुआ शाम का कुछ बनाओ, फिर रात हुआ रात का खाना बनाओ खाओ। यार मतलब औरतों की लाइफ बस यही है, खाना बनाते रहो, खाते रहो, खिलाते रहो। क्या ही कर सकते हैं, इस चीज़ से तो छुटकारा भी नहीं मिलने वाला है, पूरी लाइफ में कभी नहीं छुट्टी मिलने वाला है। अब चाहे कितना भी मेड रख ले, मतलब नौकरानी रख भी लेंगे तो वो झाड़ू पोछा बर्तन करके जाएगी, खाना तो बनाना ही बनाना है। और पता है क्या, यहाँ तो मतलब हम कहीं रेस्टोरेंट में भी नहीं जा सकते। पहले जहाँ भी रहे फौजी साहब के साथ, तो हम ऐसा होता था कि जैसे पहले, इसके पहले महाराष्ट्र जब थी, तो जब मन करता था हम रेस्टोरेंट चले जाते थे रात में डिनर करने, पार्टी मनाने में, तो बहुत अच्छा था वहाँ पे, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम बाहर जा नहीं सकते, बाहर जाना अलाउ नहीं है, तो यहाँ तो रेस्टोरेंट भी नहीं जा सकते। इसीलिए संडे को हमें जब छुट्टी मिलती है तो रेस्टोरेंट जाते हैं, लंच करके आते हैं। लेकिन पता है क्या, मुझे ना मतलब दिन में लंच करना उतना अच्छा नहीं लगता, रात में डिनर पे जाओ तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, संडे को ही टाइम मिलता है, वो भी दिन दिन में, रात में संडे को भी नहीं जा सकते। तो बस यही है हम औरतों की स्टोरी, और सबकी स्टोरी यही होती है, सेम है। तो अभी मैं बना रही हूँ भिंडी। भिंडी मैंने धुल धाल के काट वाट के रख लिया, मतलब उसके साइड साइड का काट के रख लिया, ये देख सकते हैं। अभी इसको मैं कट कर लूँगी, उसके बाद सब्जी बना लूँगी, उसके बाद रोटी बना लूँगी। रात को हम रोटी ही खाते हैं, मैं अपने लिए दिन का ही चावल थोड़ा सा रख लेती हूँ, क्योंकि बिना चावल खाए मेरा गुजारा नहीं होता। रात में भी मैं चावल जरूरी से खाती हूँ, तो अब डबल मेहनत कौन करने जाए इतनी सूख चावल के लिए। दिन में तो खुद ही इतनी बनाओ तो वो पकता नहीं है, तो मैं दिन वाले में ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देती हूँ ताकि रात को मैं खा सकूँ। तो हो जाएगा, फिर रोटी बना लूँगी, चावल है ही। और मैं बताती हूँ कि ऑमलेट, मतलब कि कोई भी सब्जी हो, किसी भी सब्जी के साथ हमें ऑमलेट खाना ही खाना है, ऑमलेट या मतलब अंडे का भुजिया, कुछ भी हो, जो मतलब दोनों में से कुछ भी। तो अभी आजकल ज़्यादा आसान होता है, मुझे ऑमलेट ही बना देती हूँ मैं, और मुझे ज़्यादा पसंद ऑमलेट आता है। भुजिया फौजी साहब को पसंद आता है, मुझे ऑमलेट आता है, लेकिन मैं अपना ही पसंद का बनाती हूँ, तो वो भी खा लेते हैं। तो मैं जैसे सब्जी बना देती हूँ, रोटी जब सेकती हूँ रात को, मतलब खाने के टाइम पे, तभी उसी तवे पे मैं ऑमलेट बना देती हूँ लास्ट में। तो वैसे ही करूँगी, भिंडी की सब्जी, रोटी, ऑमलेट। और ठंडी का सीज़न है तो रोज़ ही, क्योंकि गर्म होता है तो अच्छा है, और यहाँ पर ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो हम गर्मी में भी खाते हैं, अंडे तो हम खाते ही हैं मतलब हमेशा ही, लेकिन ठंडी में तो रोज़ रोज़ एक दिन भी मिस नहीं करते हम। तो चलिए वही है, अभी सब्जी बना लूँ, फिर देती हूँ आप लोगों को आगे की अपडेट।
तो अभी लगभग मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। लास्ट ये मैं आटा सान रही हूँ और सब्जी भी तैयार हो चुकी है। प्याज व्याज कट करके रख लिया है मैंने ऑमलेट बनाने के लिए। इसके बाद आटा सान के मैं रख दूँगी, जब फौजी साहब आते हैं ना तभी मैं रोटी बनाती हूँ गरम गरम, उसके बाद हम लोग खा लेते हैं। और अभी सब करके रख के उसके बाद अभी स्माइली को मैं थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, वो पढ़ाई कर रही है। तो अभी सारे काम मेरे फिनिश हो गए तो उसके पास थोड़ा बैठूँगी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर आप लोगों को सच में अच्छा लग रहा है तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी, तो आप प्लीज़ बताना। और चलिए अभी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ नया लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी कि आप लोगों को पसंद आए। और बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता है कि मैंने ब्लॉग अपलोड किया है, तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।